नमस्कार, फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं इन के दर्शकों का। आज का दिन, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण है नागपुर के लिए, समीक्षा हो रही है कि बीते कुछ दिनों में क्या स्थिति रही है नागपुर की। बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं नागपुर के लिए चिंता का विषय बनी हुई, और आज इस वक्त जो है दो जगह पे मीटिंग चल रही है कोरोना की समीक्षा के ऊपर में। जहां एक और मीटिंग चल रही है महापौर और लोक प्रतिनिधियों की नागपुर महानगर पालिका में, वहीं दूसरी ओर नागपुर विभागीय आयुक्त कार्यालय में वहां पर मौजूद है, जो मीटिंग चल रही है अंदर में वहां पर मौजूद है, नेतृत्व कर रहे हैं पालक मंत्री नितिन राउत। उनके साथ में महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे जी हैं, कलेक्टर महोदय वहां पर मौजूद है, सीपी महोदय वहां पर मौजूद है, और हमारे संवाददाता संजय मीरे जी वहां पर मौजूद हैं, जो समीक्षा कर रहे स्थिति के, और उनके साथ में नागपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। वो भी स्थिति की समीक्षा कैसे करते हैं, क्या हो सकता है, स्थिति की जानकारी लेंगे संजय जी से। संजय जी। जी सर। जी, आप बात कराइए वहां पर पत्रकार महोदय, आपके साथ में वरिष्ठ पत्रकार है नागपुर के, आपके साथ में मौजूद है, क्या क्या कहना है उनका, जरा बात कीजिए उनके परिचय के साथ में। बिल्कुल, उन दोनों का मैं परिचय के साथ में आपसे बात करवा दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज विभागीय कार्यालय में ऊर्जा राज्य के ऊर्जा मंत्री पालक मंत्री नितिन राउत इनकी बैठक जारी है, जिसमें नागपुर म्युनिसिपल कमिश्नर तुकाराम मुंडे है, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, और ग्रामीण जिला के जो एसपी है वे भी पूरे 5 ओला साहब भी है। बैठक जैसी हो जाती है वे तुरंत बाहर आने वाले हैं, हमसे ब्रीफ भी करने वाले हैं। इस समय हमारे साथ में 2 शहर के वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले मुकेश हेड़ाऊ हमारे साथ में, उनसे जानना चाहिए। मुकेश जी, ये बताए कि जिस तरह से अंदर भी जो बैठक जारी है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जी, बैठक आज बेहद अहम है, सोशल मीडिया पर और बाकी चीजों से देखा जाएगा, क्योंकि हमेशा ये क्यूरियोसिटी है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है नागपुर में, और नागपुर में वीडियो वायरल हो जाने के बाद लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इन सारी चीजों की कई सारी इंक्वायरीज है। तो सारी चीजों को देखते हुए नितिन राउत जी ने 5 लोगों की समिति गठित की थी, उसको देखते हुए एक सरकारी बैठक है, और सरकारी बैठक में ये निर्णय जरूर लिया जाएगा। क्योंकि हालांकि अभी कुछ देर पहले नितिन राउत ने ये कहा कि पहले हम उसका आड़ावा लेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद में लॉकडाउन लगाए जाए या नहीं इसकी इस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में आपको डिसीजन बताएं। मतलब देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में नागपुर के जो आंकड़े हैं वो काफी बड़े हुए हैं, 300 आंकड़े जा रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मांग है कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन जिनका रोज खाना है, रोज कमाना है, उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ बैठक शिवसेना के आमदार खासदार है, वही दूसरी तरफ एक सरकारी बैठक है जहां पर अभी थोड़ी ही देर में निर्णय आने वाला है, तो अपने आप में एक बहुत अहम बैठक होने वाली है। ये जो भी निर्णय आता है तुरंत आपको दिया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन की रूपरेखा क्या हो सकती है, धनंजय सर से पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस समय में धनंजय जी टिपले हमारे साथ, उनसे हम पूछेंगे। धनंजय जी, ये पता है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो जारी होने वाला है उसके बारे में बताइए कि किस तरह की वो योजना होगी। सबसे पहले एक बात समझ में आ रही है कि यह जो आज बैठक हो रही है वो 2 जगह पर बैठक हो रही है, एक तो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में हो रही है जहाँ आईपीएस और नागपुर के गार्डियन मिनिस्टर नितिन राउत, ये इनके नेतृत्व में बैठक हो रही है, और दूसरी बैठक हो रही है एनएमसी में जहाँ पर महानगर पालिका के पदाधिकारी, नगर सेवक या फिर वहाँ के लोग जो कर रहे हैं। इससे एक बात साफ हो रही है कि दोनों जो जहाँ बैठक हो रही है दोनों में कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिल्कुल समन्वय का पूरी तरह से अभाव दिख रहा है। उसके अलावा तर्ज पर एक ही बैठक ली जाती और एक ही जगह पर अगर निर्णय होता तो अच्छा मैसेज जाता, लेकिन आज के डेट में जो किसी में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है ये दिख रहा है। रही बात तो बैठक के अंदर क्या होगा, स्मार्ट लॉकडाउन के संदर्भ में जो बात चल रही है, बीते कुछ दिनों से नागपुर में 1 तारीख से लगेगा लॉकडाउन, बकरीद के बाद लगेगा लॉकडाउन, अपनी राखी के बाद लगेगा लॉकडाउन, इस तरह से काफी चर्चाएं, काफी अफवाहें चल रही है। उसी अफवाहों के तर्ज पर आज इस बैठक को काफी महत्व है, ताकि एक सही डिसीजन हो और सही मैसेज लोगों तक पहुंचे जो यहाँ से होने की उम्मीद है। तो आपसे धनंजय टिपले जिन्होंने, संजय जी मैं आपको एक सवाल हेड़ाउ सर से पूछने के लिए पूछना चाहूंगा। उन्होंने एक वीडियो वायरल होने की बात की थी, उस वीडियो की वो बात करें जहां पर बाकी जो है मीडिया के बूम वगैरह भी थे, उसके माध्यम से वीडियो वायरल हुआ था, तो ये कैसे ये गैर जिम्मेदाराना हरकतें हो रही है और इसके परिणाम जनता के बीच में कितने बुरे तरह से होते हैं, क्या कहेंगे हेड़ाउ जी इस पर? बिल्कुल, मैं मुकेश सर के पास जाके ये पूछता हूँ। मुकेश जी, जिस प्रकार से हाल फिलहाल में एक वीडियो जो वायरल हुआ था जिसके अंदर में काफी बातें उभर कर सामने आई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जी, वो वीडियो जो आया था हमारी जानकारी के मुताबिक वो छिंदवाड़ा का वीडियो है, और अगर
देखा जाएगा तो सोशल मीडिया का प्रभाव इतना है कि कुछ भी अगर चीजें इन दिनों अगर वायरल होती है तो किसी भी शहर के नाम पे वायरल हो जाती है। कोई भी वीडियो अगर सोशल मीडिया पर आता है तो उसे देखकर सोच समझकर और समझकर सारी चीजों को वायरल किया जाए ताकि वो काफी व्हाट्सएप पर और कई सारी शिकायतें कई सारी बातें आपके भी चैनल को आई होगी मेरे भी चैनल को आई है जी। और यहाँ पर वो देखा गया है कि वीडियो जिस तरह से वायरल है उसके बाद में अटकलें जो लगाई जा रही थी कि लॉकडाउन लगने वाला है क्या नहीं, क्योंकि उसमें कहा गया था कई के अतिरिक्त आयुक्त थे उसमें कलेक्टर थे उसमें उन्होंने कहा था कि 1 से 4 तारीख के बीच में, तो कई सारी बातें उसमें बताई गई थी लेकिन वो वीडियो नागपुर का था ही नहीं। आज भी घर में और घर के आसपास में जाते हैं तो लोग यही सवाल पूछते हैं कि लॉकडाउन कब लगने वाला, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन, क्योंकि हाल ही में हमने जो 3 से 4 महीने देखे वो काफी बुरे तरीके से हमने वेदनादायी थे, बहुत सारी तकलीफें हुई लोगों को, कई लोगों के जॉब चले गए, कई सारी बातें जो सामने आई है उसमें, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा था वो लोग तो लॉकडाउन से उभर कर आ गए, लेकिन जिनके पास रोज कमाने वाले है रोज खाने वाले उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। और उसी पर कहीं ना कहीं चर्चा अंदर में हो रही है जहाँ पर पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत है, विभागीय आयुक्त है मुंडे साहब है महानगर पालिका के, और पुलिस कमिश्नर और कई सारे अधिकारी जो बैठे हुए इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन अगर लगाया भी जाए तो किस लहजे का लगाया जाएगा और किस तरीके का लगाया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के ऊपर भी कोई पर्याय अगर मिलता है तो उसका भी गहन चिंतन अंदर में चल रहा है, चर्चाएं चल रही है, और उसके बाद में अंदर से जब बाहर बातें आएगी तभी संभावनाएं बताई जाएगी नागपुर में लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लगता।